Dawn Express. I know Sashka. नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। वैश्विक परिदृश्य में कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्थान और अलग अलग समय पर घटित होते हैं, लेकिन कालांतर में अगर उन तथ्यों की कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो गहरे षड्यंत्र सामने आएंगे। इन तथ्यों से इतना तो कहा ही जा सकता है कि समाज से लगने वाले ये घटनाक्रम असाधारण नतीजे देने वाले होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में संबंधित समूह स्थान या जाति के इतिहास से छेड़छाड़ करके उस समूह स्थान या जाति का भविष्य बदलने की चेष्टा की जाती है। आज जब भारत के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी प्रदेशों में कुछ संगठनों द्वारा जोर शोर से आदिवासी दिवस को मनाने की परंपरा शुरू कर दी गई है, तो यह विषय गंभीर हो जाता है। खास तौर पर तब जब ऐसे आयोजनों के बहाने इस देश की जनजातियों से उनके अधिकार दिलाने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और एक संयोजित तरीके से उनके अंतर्मन में सरकार के प्रति असंतोष का बीज बोया जाता है, क्योंकि ऐसे तथ्य सामने आए हैं जब इन जनजातियों की समस्याओं के नाम पर एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है जिसका परिणाम स्वरूप यह असंतोष केवल जनजाति का सरकार के प्रति विद्रोह तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कहीं कहीं यह सामाजिक आंदोलन तक का रूप ले लेता है, तो कई बार यह संतोष धर्मांतरण का कारण भी बन जाता है। कहा जाता है कि आदिवासी अथवा जनजातियां उनके अधिकार दिलाने की मुहिम दिखाना आदिवासी दिवस नाम का यह आयोजन ऊपर से जितना सामान्य और साधारण दिखाई देता है वह उससे कहीं अधिक उलझा हुआ है, क्योंकि भारत का इस विषय में यह मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं और इनमें से कुछ समुदायों को अनुसूचित या चिन्हित किया गया है जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मूल निवासियों के जिन अधिकारों की बात की जा रही है वह अधिकार भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को प्रदान कराता है, इसलिए भारत के संदर्भ में किसी आदिवासी दिवस का कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद भारत में इस दिवस के विशेष महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ संगठनों ने प्रधानमंत्री जी से इस दिन पर अवकाश की घोषणा करने की अपील भी की है। इस प्रकार के कृत्य निसंदेह उनके उद्देश्य के प्रति संदेह उत्पन्न करते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में आदि काल से ही जनजाति और गैर जनजाति समाज स्नेह पूर्वक सामाजिक संरचना में एक दूसरे के पूरक बनकर मिलजुल कर रहते थे। इसके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। रामायण में केवट की प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और प्रभु राम के केवट पर स्नेह, वनवास के दौरान निषादराज के यहाँ प्रभु श्री राम का रात्रि विश्राम और उन्हें अपना मित्र बनाना, यहाँ तक कि उन्हें अपने राज्य अभिषेक पर अतिथि स्वरूप आमंत्रित भी करना, शबरी के हाथों झूठे बेर खाना, ये तीन केवट, निषाद और शबरी जो कि आदिवासी थे उनके एक राजवंशी द्वारा यशोचित मान सम्मान आदर और प्रेम देना भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता, इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की 54 जनजातियों में से एक है। मिजोरम जनजाति खुद को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी का वंशज मानती है। इसी प्रकार नागालैंड के सैल डीमापुर को कभी हिडिम्बापुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ रहने वाला डिमाशा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडिम्बा का वंशज मानती है। ये सभी तथ्य इस बात का प्रमाण है कि भारत की जनजातियाँ भारत समाज का सम्मानित हिस्सा थी, लेकिन कालांतर में आक्रमणकारियों के अत्याचारों से इस सुव्यवस्थित भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव की नींव पड़ी। इसलिए आज आवश्यकता है कि जनजातियों के बहाने भारत में संप्रभुता के खिलाफ चलने वाले षड्यंत्र को समझकर उसे विफल करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं अगली खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह इस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया। उन्होंने कहा, यह पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 5 साल बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। इस पॉलिसी के जरिए हमारा उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल आज महंगा है इसलिए इसे कोई नहीं खरीदता, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे इसलिए सरकार इस पर फाइनेंशियल इंसेंटिव देने जा रही है। टू व्हीलर व्हीकल पर लगभग 30,000 इंसेंटिव, कार पर 1.5 लाख इंसेंटिव, ऑटो रिक्शा पर 30,000 और ई रिक्शा पर 30,000 और माल वाहन पर 30,000 तक इंसेंटिव मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिसी पूरे देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी में से एक है। शायद दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिकल
व्हीकल पॉलिसी है उनमें एक बहुत अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह पॉलिसी 3 साल के लिए है, उसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले भी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम विचार करेंगे। पिछले 2.5 साल में हमने इस पॉलिसी पर खूब चर्चा की। यह कोई एसी कमरे में बैठकर अफसरों द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के जाने वाले लोगों को बुलाया, जो जो अच्छी बातें मिली वे इस पॉलिसी में डालने की कोशिश की गई। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल रजिस्टर होते हैं उसमें कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। आज ये 0.2% है। वहीं अगली खबर, BSES ने शुरू की खास योजना जिसके जरिए लोगों को बिजली बचाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा बिजली का बिल भी कम आएगा। BSES डिस्कॉम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की बचत करने के लिए एयर कंडीशनर और पंखे एक्सचेंज ऑफर में भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर पर मिस कॉल करना होगा या डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाना होगा। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार BSES यमुना पावर लिमिटेड और BSES राजधानी पावर लिमिटेड सुरक्षित और स्थायी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस योजना के तहत दक्षिण पश्चिम पूर्व और मध्य दिल्ली में उपभोक्ता अपने पुराने AC को नए ऊर्जा कुशल 5-star रेटेड AC के साथ 64% तक भारी छूट पर एक्सचेंज कर सकते हैं। BRPL ने फैन रिप्लेसमेंट योजना पर भी शुरू कर दिया है, जिसमें उपभोक्ता 67% तक की छूट पर पुराने पंखों को नए पंखों के साथ बदल सकते हैं। पूर्वी और मध्य दिल्ली BIPL उपभोक्ताओं के लिए भी इस तरह की योजना शुरू की जा सकती है। इस स्कीम के तहत ऐसी ही रनिंग कांस्टेंट पर प्रतिवर्ष 1000 यूनिट तक उपभोक्ता सकते हैं, लेकिन ये AC के मॉडल और प्रकार पर निर्भर करता है। प्रत्येक उपभोक्ता सीमित अवधि की इस योजना के तहत 3 AC और पंखे लगा सकते हैं। वहीं अगली खबर, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से किए गए विवादित ट्वीट पर कार्रवाई की मांग हो रही है। वकील विनय वत्त ने CJI को लेटर पिटीशन भेजी है। उन्होंने ये याचिका में AIMPLB पर जजों को ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की अपील की है। दरअसल ये मामला राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले का है। AIMPLB ने ट्वीट करके कहा है कि ये बाबरी मस्जिद थी और हमेशा के लिए एक मस्जिद रहेगी। हालांकि विवाद होने के बाद ट्विटर पर यह मैसेज डिलीट हो गया था। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्वक दमनकारी शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमि के पूर्ण निर्धारण निर्णय इसे बदल नहीं सकता। दिल टूटने की जरूरत नहीं है, स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। विवादित ट्वीट पर बोर्ड के सचिव व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी जफरयाब जिलानी ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा था कि ये ट्वीट महासचिव की मंजूरी के बिना किया गया था, इसलिए इसे डिलीट कर दिया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं अगली खबर, बीजिंग में 7 अगस्त 2008 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हस्ताक्षर मामले की NIA या CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि विदेश सरकार को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बारे में कभी नहीं सुना। कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है, याचिकाकर्ता को तथ्यों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इस पर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि यह समझौता कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताई और कहा कि हमने अब तक ये नहीं सुना कि एक देश की सरकार और दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी के बीच किसी तरह का समझौता हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। वहीं अगली खबर, टेक्नोलॉजी आधारित फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG कंपनी हेवेल्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी कैबिनेट इलेक्ट्रिकल स्विच रेंज के तहत एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल स्विच की नई सीरीज बाजार में उतारी है। यह नई इनोवेटिव रेंज अथेना, सिग्निया और वेरोना मानव स्पर्श के जरिए रोगाणुओं की बचत और प्रसार को 99.9% तक कम करने की क्षमता से लैस है। इस तरह यह स्विच ग्राहकों के लिए सेहतमंद जीवन का संदेश लेकर आ रहा है और इनके प्रयोग से बैक्टीरिया जनित रोगों जैसे विषाक्तता, निमोनिया आदि से रोका जा सकता है। रेंज की कीमत 75 रुपीज से शुरू है। महामारी के संदर्भ में अस्पतालों, घरों, होटलों, संस्थानों आदि में साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करना अब पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रांड
की इस नवीनतम पेशकश से धात्विक यौगिक का प्रयोग किया गया है जो कि जीवाणुओं और कवक के प्रसार को रोकने में धात्विक ऑक्साइडों और अन्य धात्विक मिश्रणों से ज्यादा कारगर होने के साथ साथ सिल्वर आयन से अधिक प्रभावी है। इनके अलावा स्विचों को नई रेंज अधिक टिकाऊ है और मौसम की मार को भी ज्यादा लंबे समय तक झेल सकती है, यानी अधिक तापमान होने के बावजूद इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इन स्विचों के निर्माण में प्रयोग हुए FDA, ECHA तथा EPA से सर्वित इसे तृतीय परीक्षक प्रयोगशालाएं जैसे GIS तथा ISO द्वारा जांच कराया गया है। वहीं अगली खबर, BSNL ने अपने यूजर्स के लिए बुक माई फाइबर प्लान लॉन्च किया जिसके द्वारा ग्राहक घर बैठे फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने देश के सभी टेलीकॉम सर्विस के लिए पोर्टल पेश किया ताकि ग्राहक अपनी आसानी से फाइबर कनेक्शन ले सके। पोर्टल में एक आसान इंटरफेस दिया गया है जिसमें सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आप उस पर पॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद फाइबर कनेक्शन के लिए आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। BSNL के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार यह पोर्टल की डिवाइस से कस्टमर द्वारा की गई जानकारी अनुसार ऑटोमेटिक उसका डाटा कैप्चर कर लेगा। पोर्टल को BSNL की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। पोर्टल में एक ओवरव्यू मैप दिया गया है जिससे पॉपअप पर अपनी लोकेशन के लिए ग्राहक एड्रेस टाइप कर सकते हैं। पोर्टल में आसानी से नेविगेट करने वाला इंटरफेस है। पता टाइप करने के बजाय आप पॉइंटर को अपने सही स्थान पर ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने से बॉक्स में एड्रेस दिखाई देगा। कस्टमर को इससे राज्य, पिन कोड, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारियां भरनी होगी। भारत फाइबर BSNL की फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड सेवा है। ये 2019 में शुरू की गई थी, तब धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार हुआ। सभा डॉक्टर नीलम महेंद्रा, लेखिका वरिष्ठ सितंबर, डेली हार्ट, डेली होम। धन्यवाद। डी डॉन एक्सप्रेस।